तो भाई जैसे आप लोगों ने कल देखा था, मैं पोर्ट उतर गया था। पोर्ट से उतरने के बाद मैं जा रहा हूँ बस स्टॉप पे। मैंने लिया है मोटर बाइक राइड, इन्होंने 100 बाथ लिया है, मुझे बस स्टॉप पे छोड़ने वाले हैं। बस स्टॉप से मैं जाऊँगा एयरपोर्ट। तो चलते हैं भाई, आपको फिर आज एयरपोर्ट का पूरा नज़ारा दिखाने वाले हैं। सामने की तरफ बस स्टॉप है, फिर ये एयरपोर्ट पे पहुँच गए हैं। फटाफट चेक इन करना है क्योंकि फ़्लाइट का टाइमिंग हो गया है। उसके बाद आपको एयरपोर्ट दिखाता हूँ। इसमें थाई एयरवेज, स्माइल और इन सब लिस्टेड में अगर आपका टिकट है तो आप सिर्फ चेक इन कर सकते हो, अदरवाइज आपको ऑनलाइन चेक इन करना पड़ेगा। इस पर क्लिक करने के बाद आप अपना स्कैन करोगे टिकट, तो आपको इन सब में से डेंजरस गुड्स में से एग्रीमेंट करना पड़ेगा। उसके बाद फिर आप यहाँ से चेक इन करने के बाद आगे जा सकते हो। ये है भाई सिक्योरिटी चेक पॉइंट, जिसमें से आपको डिटेल चेक कर लेना है कि आपके पास ऐसी कोई चीज़ें तो नहीं है जो डेंजरस है फ्लाई करने के लिए। तो ये है एयरपोर्ट का नज़ारा। अंदर की तरफ चलते हैं, फिर आपको दिखाते हैं ड्यूटी फ्री एरिया जो यहाँ पे काफ़ी बेहतरीन बना हुआ है। और इसके अंदर हम जाएंगे अभी, ये एफ ब्लॉक, ए बी सी डी ऐसे करके एफ जे ब्लॉक, कई सारे ब्लॉक्स बने हुए हैं। और इसमें आपको स्क्रीन पे आपकी फ़्लाइट दिख जाती है, आप कहाँ पे फ्लाई कर रहे हो। तो इसमें से आपको न्यू दिल्ली दिखेगी, तो मैं फ़्लाई करने वाला हूँ न्यू दिल्ली के लिए, ये बैंकॉक एयरपोर्ट से। तो फिर चलते हैं आगे की तरफ। ये आप सेल्फ बैगेज भी अपना चेक इन कर सकते हैं, इसमें आप करने के बाद अपना बैग आप सबमिट कर सकते हैं। तो भाई ये है एयरपोर्ट का नज़ारा। यहाँ वैट रिफंड लेने के लिए आपको लेफ्ट हैंड साइड में जाके आप अपना वैट का रिफंड भी क्लेम कर सकते हैं। ये है एयरपोर्ट के अंदर का डिज़ाइन, भाई काफ़ी अच्छा बना रखा है और काफ़ी सुंदर लग रहा है एयरपोर्ट का नज़ारा। तो चलते हैं आगे की तरफ, देखते हैं। तो ये लिफ्ट से यहाँ पे लॉन्ज एक्सेस करना था मुझे, लेकिन इंटरनेशनल लॉन्ज एक्सेस में कर नहीं पाया क्योंकि इसमें कोई ऑप्शन नहीं है अभी मेरे क्रेडिट कार्ड पे। तो अगली बार फिर देखते हैं भाई। अभी मुझे करना था ड्यूटी फ्री से शॉपिंग, क्योंकि मुझे एक लेना है रोड का माइक और लेना है मुझे बैटरी वगैरह गोप्रो की ओरिजिनल स्टोर से। तो अभी चल के देखते हैं। ये है भाई अंदर की तरफ का नज़ारा और आगे की तरफ ड्यूटी फ्री एरिया में शॉपिंग का अच्छा ऑप्शन है। अभी ये पूरा एयरपोर्ट के अंदर का एरिया है। उसके बाद ये आपको इस तरफ जाओगे तो आपको ये ड्यूटी फ्री शॉपिंग एरिया स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे टेस्ट ऑफ थाईलैंड, ये कि यहाँ पे काफ़ी महंगा है, मैंने चेक किया। अभी फिर से दिखा देता हूँ आपको दोबारा, लेकिन पैकिंग अच्छी है इसकी। अगर आपने कुछ अपने घर के लिए लेना है तो आप ले सकते हैं। ये पड़ रहा है आपको अराउंड 500 बात का, तो कॉस्टली है। आप इससे अच्छा जो है थाईलैंड के अंदर में ले लें, लेकिन आपने अगर कोई अच्छी पैकिंग के साथ में चाहिए तो आप स्टोर से भी ले सकते हो। और नीचे की तरफ चल के देखते हैं फिर क्या हिसाब है। यहाँ पे भाई काफ़ी खाली खाली है अभी तो, क्योंकि एयरपोर्ट काफ़ी बड़े एरिया में बना है और अच्छा भी है। तो हमने ये ले लिया है भाई, बैटरी मिला गोप्रो का और उसके बाद मीडिया मोड लिया, ये दो चीज़ें लिया हमने। ये है मीडिया मोड, तो ये लगाने पर मैं अपना एक्सटर्नल माइक वगैरह कनेक्ट कर सकता हूँ, आपको कभी दिखाऊंगा वीडियो में। तो अभी तो चलते हैं, फ्लाइट पकड़ना है जल्दी से अपने काउंटर की तरफ। ये है भाई बैटरी, इसमें डुअल बैटरी चार्जिंग पॉइंट है, इसमें मैं दोनों बैटरी अपना गोप्रो का डाल के चार्ज कर सकता हूँ। तो ये पूरा एयरपोर्ट तो मुझे काफ़ी ठीक लगा, क्योंकि स्पेस काफ़ी अच्छा है, जितना भीड़ है उससे ज़्यादा यहाँ पे स्पेस है, तो ओवर क्राउडेड नहीं होता। चेकिंग वगैरह और इमिग्रेशन वगैरह सुपर फास्ट हो गया। अभी तो ये अंदर तरफ कुछ ऐसा अपना ट्रेडिशनल डिज़ाइन बना रखा है उस तरफ की तरफ। और ये है अंदर का नज़ारा भाई, प्लेन में आ गए हैं, अभी बस निकलना है और रेडी टू फ्लाई हो गया भाई इंडिया में पहुंच के। फिर आप लोगों के लिए ब्लॉग्स में फटाफट डालूंगा भाई।